देखो 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 देखो, स्कूटी पे आया दो लोग, वो मेरी थार की तरफ इशारा कर रहा है, वो कह रहा है ये 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 ऐसे कुछ कह रहा है, और रोक ली इन्होंने, वो उतरा, पीछे वाला अम्मी देख रही हो भाग के, ओ पत्थर उठा के भागा, पत्थर उठा के भागा। तो यो 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 मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब, और आप देख रहे हैं आपका अपना बूम गर्व जोन। तो आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि वैसे तो मेरा हर दिन स्पेशल ही होता है, भगवान ने इतनी बढ़िया जिंदगी दी है, बट आज अपनी थार में लगने वाला है शीशा, और फिर अपन निकलेंगे शिमला के लिए। हाँ जी मोहतरमा, क्या हाल है? शिमला क्यों जा रहा है? बर्फ पड़ रही है क्या वहाँ पे? अरे बर्फ पड़ रही है, और वहाँ मेरे को एक हॉन्टेड ब्लॉग बनाने आना है, इस सदी का सबसे भयंकर ब्लॉग। तो भाई सीन ऐसा है, अभी राजू तो चला गया, एक बहन जी आई है, अभी ये खाना बनाती है, ये आई है चौथी बहन जी। कैसे हो बहन जी? क्या बात है। तो भाई हमारे घर में चार कुक बदल गया, खाना किसी का पसंद ही नहीं आ रहा, अब देखते क्या होगा क्या नहीं। अभी ये बहन जी टिक पाएंगे कि नहीं, अभी बहन जी टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, मुश्किल है। राजू तो एक टाइम आता है और आता नहीं, पर ये रेगुलर आती है, और खाना है ना अभी बना रही है वैसे, ठीक ठीक है भाई। मतलब काम वाले ढूंढना ना भाई, एक तरीके से बहुत बड़ा टास्क हो गया। राजू क्या कह रहा था, एक जगह मैं फंस गया हूँ गौरव भैया, मैंने काम करा, वो बंदा कह रहा 10 दिन बाद पैसे दे पाऊंगा, तो मैं 10 दिन बाद ही पहले पैसे निकालूं फिर आऊंगा। मैंने ठीक है भाई, तो पहले बंदे से पैसे निकलवा ले, तो राजू देखते आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई ये अपने 0007, तो भाई इसका शीशा अभी तक नहीं लगा है, इंश्योरेंस वालों ने ना दुखी कर रखा भाई, काम करके ही नहीं देते भाई, वो चाहते कि वही इंश्योरेंस में कोई काम ही ना हो गाड़ी का, क्योंकि उनके पैसे ना लगते हैं। तो भाई शीशा है 8,000 रुपए का, ये देखो ये वाला शीशा है 8,000 रुपए का। तो अभी क्या है, हमारे घर के पास एक कंपनी है, वो क्या कहते हैं पहले लगा देते हैं फिर पैसे रिफंड कर देते हैं, मतलब इंश्योरेंस में करके देते हैं। तो आकाश भाई भी आ गया, और आकाश भाई को ऐसी पहली थार में बैठ रहा भाई, तो जिसमें खुली हवा आती है, पीछे भी विंडो है, ऐसी थार से वो दोबारा नहीं मिलेगी है, फ्रेश एयर एसी। सही में भाई, तो अभी देखते हैं रिपेयर कराने जा रहे हैं भाई कंपनी में ना, देखते हैं शीशा कितने का है। तो अभी अपन कुछ खाने के लिए रुके हैं भाई, इतनी जोर की भूख लग रही है, गाड़ी को भाई अपन अभी साइड में खड़ी करके जा रहे हैं भाई, कोई लेना जाए और शीशा टूटा हुआ, लॉक कर दे गाड़ी। दिमाग खराब हो गया यार, 10 दिन से शीशा नहीं मिल रहा है कहीं। कब से खा रहे हो? मैं भाई जब से पैदा हुआ था खा रहा। चटपटा चटपटा एक रुचि खाता हूँ, कह रहा था मैं एक रुचि खाता हूँ, जिम जाने लग गया हूँ, फटाफट चार कुलचे मारे भाई साहब ने आज। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी का काम कराने बाबा मोटर्स, अब मल्टीपल ब्रांड कार केयर सॉल्यूशन पे, जो कि है गुड़गांव में, क्योंकि क्या है भाई वही सेम शीशा महिंद्रा में लग रहा है 9-10 हजार रुपए का, वहाँ यहाँ मेरा आधे रेट में काम हो गया, और बहुत अच्छे से सेम गारंटी के साथ इंश्योरेंस क्लेम करके। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी, इसमें अभी क्या है पूरे शीशे वीशे निकाल दिए हैं, देखो यहाँ पे क्या हैंड टू हैंड काम हो रहा है। मैंने महिंद्रा में पता करा था, वो महिंद्रा वाले कम से कम ले रहे थे 4-5 दिन, वो भी आज इंश्योरेंस वाला है या नहीं है, तो मैंने कहा यही काम करा लो, हैंड टू हैंड करके दिए, 2 घंटे में तो शीशा भी लगा देंगे। तो अमित जी कैसे हो? अमित जी सर आप तो भाई सर्विस आपकी फास्ट लगी, मैंने इतनी जगह पता कर लिया, परफेक्ट शाइन मोटर में भाई 2 घंटे में मेरा काम हो गया। और ये क्या क्या करते हो आप यहाँ पे? ऑल कार सर्विस, ये देखो सर्विस सारे काम, इंश्योरेंस भी होता है। तो भाई किसी की गाड़ी में अगर कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा तो यहाँ कर लेना, क्योंकि कंपनी से आप मेरे ख्याल से 25% कम में करते हो। तो देखते हैं अपना शीशा कैसा लगता है। तो ये आ गया अपना ग्लास, तो फाइनली भाई अपना ग्लास लग जाएगा। शीशा लगाया ना यहाँ पे, ये बिल्कुल ओरिजिनल लगा, इधर आओ दिखाता हूँ, ब्रांडिंग भी सेम है, ये महिंद्रा लिखा हुआ है, महिंद्रा आप देख पा रहे हो, ISI वाला है, महिंद्रा और ISI। तो मैं इसलिए खुश हूँ भाई मेरा जो, तो भाई यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पेस है, आप यहाँ पे वॉशिंग करा सकते हो, तो इधर सिटिंग एरिया मिल जाएगा, उधर वॉशिंग एरिया है प्रॉपर, आप देखोगे तो पूरी गाड़ियाँ वॉश हो रही है उधर। ये इनका ऑफिस है भाई, ऑफिस दिखाते जी। कब बनाया आपने ये? अभी हो गया इसको 2 महीने हुए हैं, अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, रिसेंटली ओपन किया। चलो अमित जी बस इतना करना, कोई मेरा नाम लेके आया ना तो भाई उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट होगा 100%। तो ये देखो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना इनके स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। ये देखो अमित जी का कार्ड है, अगर किसी को कराना है यहाँ से तो कॉन्टेक्ट कर लेना अमित जी को, या फोन करके पूछ लेना। पार्ट्स भी डिलीवर करा देते हो क्या? पार्ट्स भी डिलीवर, ये चीज बढ़िया लगती है मेरे को यहाँ की। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ घर, और डॉलर ये डॉलर डोलू, गेट बोलो डोलू डोलू, गेट बोलो बंद क्यों होता है सीसीटीवी? लूज हो गया था, तो चल रही हो मैं आप शादी में आज? आप नहीं जा रही तो तू चल रहा है भाई। चलो तो आज क्या गाइस, जो मेरा पर्सनल जो लॉयर है, तो आज उनकी सिस्टर की शादी है, तो भाई अपने को तो जाना बहुत जरूरी है। लॉयर साहब का पूरे महीने से फोन आया, गौरव भाई आपका आना जरूरी है, जाएंगे डैडी के साथ, तो डैडी के साथ करेंगे फुल मस्ती। डैडी कोट पैंट पहन के जा रहे थे आज, हैं
अरे मैं मेरा होटल से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, होटल से आ रहा हूँ डायरेक्ट। चलो जी बढ़िया भाई। कोट पैंट थी वहाँ का। अच्छा कोट पैंट थी। मैं हमेशा भाई जैकेट में जाता हूँ, क्या करें भाई, कोट पैंट हम पे आई नहीं, सिलवाया ही नहीं मैंने कभी जिंदगी में। तो अभी अपन जा रहे हैं वैगनार में, ठीक है भाई। बोर हो रहा हूँ मैं यार, क्या करूँ मैं, थोड़ा तेज चलाओ यार दोस्त, यार वेट कर रहे हैं मेरा। जा रही है बारात भाई, बहुत सब्सक्राइबर मिलने वाले हैं भाई, मैं तो जल्दी निकल लेंगे, खा पी के जल्दी निकल लेंगे, ठीक है। अभी देखना खाना भी नहीं खा देंगे लोग, देखना इतनी भीड़ मिलेगी भाई, इसलिए मैं शादी में नहीं आता। तो भाई अभी शादी में भाई आधा घंटा हो गया भाई, फोटो ही खींच खींच के पागल हो गया भाई, इतने लोग मिल रहे हैं भाई, सारे सब्सक्राइबर, तुम भी। अच्छा तो भाई हमारे नितिन भाई भी आ रखे हैं, नितिन भाई की पूरी फैमिली है ना, कैसे हो? अच्छा फैमिली पीछे तक है नितिन भाई की। ये नमस्ते माता जी। सही है ये भैया जी, कैसे हो आप, बढ़िया लग रहे हो? चलो बढ़िया है, चलो कुछ खा के भाई, कुछ खा लू मैं भाई, कुछ खा लू मैं भाई, खा लू भाई फोटो। ओ भाई सुनो, कोई भी सब्सक्राइबर फोटो लेने आया कह देना पहले खाएंगे भाई। मैं भाई पागल हो गया भाई, एक दाना नहीं गया मुंह में भाई। कहा है डोना? डोना कहा है? ये देखो, ये भूख लग रही भाई। चलो भाई शादियों में ना हम शर्म नहीं करते, हम छीन के खाते हैं, नहीं तो भाई शर्मा गर्मी में रह जाएंगे भाई। मैं देख भाई ये शौक हो गया, मैं खा रहा था, भागे भागे आ गया भाई। बिगेस्ट फैन है, बिगेस्ट फैन भाई। लास्ट वीडियो कौन सी डाली थी? मैंने देखी नहीं है। चलो भैया मैं तो टूट गया, मैं तो टूट गया, खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ फ्लश होने। बिना चटनी के? अच्छा तुम तो खाने ही नहीं खा पा रहे यार, कोई ना कोई सेल्फी के चक्कर में। मैं तो टूट गया भाई, आप जानते हो। हाँ भाई भाई मैं तो अभी खाया नहीं, मैं दोस्तों के साथ मस्त था, देखता हूँ बापूजी कहाँ है मेरे। बापूजी और मेरे भाई अलग अलग घूम रहे हैं, वो खाना कोई उधर से खा रहे कोई उधर से। मेरे अपने केशव भाई कांग्रेचुलेशन, इनकी बहन की शादी है। चलो भाई बहुत बिजी हो आज है, कल मिलेंगे आराम से। ओके खाना वाना खा लिया भाई आपने? भी खा लिया भाई, आया हुआ आधा घंटा है, इन्होंने खाना भी खा लिया। अक्षय जोन के भी सब्सक्राइबर है भाई, एसएचओ साहब के सब्सक्राइबर। एसएचओ से नीचे नहीं बोलेगा भाई, हम इसको एसएचओ साहब बोलते हैं अक्षय जोन को। चलने भाई, प्लेट तो निकाल दे मेरे लिए भी भाई, ये सही है भाई, ये सही है भाई। जो पीछे बंदा इतना गंदा आया, पूरा हाथ गीला खाने में आए, वो रहा भाई कैसे हो, मेरे को ही मिलाना पड़ेगा। कोई ना कोई ना, यार दिमाग खराब हो गया भाई, भाई खाना भी नहीं खा पाया, कसम से अब प्लेट लेके घूम रहे भाई, लिटरली भागना पड़ा, इतनी भीड़ हो गई थी भाई, खाना भी मुश्किल से खाता हूँ मैं शादी में। डैडी तो पहले आके गाड़ी में बैठ गए थे 15 मिनट, लोग छोड़ ही नहीं रहे थे मेरे को, सेल्फी ले रहे थे। बारात आई है, हम पहले ही खा के निकल लिए, मेहमान ऐसे होने चाहिए, बारात आए निकल जाओ ताकि खाली सा रहे थोड़ा। नहीं 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 ये खराब हो गई है, देखो भाई शादी में जा रही है जैगुआर, एक से एक चीज AMT लिखा हुआ है भाई, ये जैगुआर रोड पे खड़ी हुई है भाई, देखो और भाई एक नंबर लग रहे हो, ब्रांड न्यू F-Pace है भाई, ब्रांड न्यू रोड पे खड़ी है भाई, ये देखो AMP मोटर्स, ये जैगुआर की आया सर्विस वाले, ये देखो, ये देखो बंद पड़ गई है गाड़ी भाई रोड पे। उस भाई सीन अभी ऐसा हो, डैडी घर जाके ना अभी CCTV फुटेज आ गई है अपनी, जो आम आदमी पार्टी वाली थी, तो उसमें ना पूरा प्रॉपर आया कि चोर कैसे आया कैसे तोड़ा, तो वो घर जाके मैं फुटेज चेक करूंगा और फिर कल FIR कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे अपन चोर के खिलाफ। बट हालांकि मेरा शीशा मैंने जोड़ लिया है, बट ठीक है यार ये चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए ना यार, मेरी गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है, तो अभी चल के चेक करते हैं CCTV। सो गाइज अभी अपन आ गए हैं CCTV देखने, आम आदमी पार्टी के कैमरा लगे, सरकारी कैमरा, तो ऐसे फुटेज नहीं देते, पूरी एप्लीकेशन दी फिर फुटेज निकली, तो फुटेज मेरे सामने है और अब अपन फुटेज देखते हैं क्या था। तो भाई मैं 2:30 बजे आया था रात को कहीं से व्लॉग बना के,
तो उस टाइम क्या मैंने गाड़ी टियागो टियागो से गया था, टियागो खड़ी करी क्योंकि मैं ज्यादातर टियागो चलाता हूँ सीएनजी के चक्कर में। नई वाली थार है वो रोड पे खड़ी करी, और जो मेरी पुरानी थार थी वो मेरी अंदर मेन पार्किंग है, क्योंकि मेरी मेन पार्किंग में एक गाड़ी अलाउड है। तो उस दिन मैंने अपनी ना पुरानी थार लगा दी थी, क्योंकि क्या पुरानी थार बहुत ज्यादा वायरल है, तो रोड पे खड़ी करता हूँ तो भीड़ लग जाती है, इसलिए मैं उसको अंदर छुपा के रख दी। मैं नई वाली थार को बाहर रख दूँ तो दो तीन दिन की बात है वो बिकी जानी है। फिर तो इस चक्कर में नई वाली थार मेरी बाहर खड़ी हुई, टियागो भी मैं आया 2:30 बजे बाहर खड़ी थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब अपन प्ले करते हैं, एक आदमी जा रहा है फटाफट भाग भाग के इधर, ये देखो थार को देख रहा हूँ, थार को देख रहा है, देख रही हो थार को देखते हुए गया मेन, बट थार इसने नहीं तोड़ी है ना, मैंने फुटेज पहले देख ली थी। ओ भाई उसी टाइम देखो पुलिस की गाड़ी आई है। अच्छा पुलिस की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी देखो, ये देखो सामने से जा रही है ना। हाँ, हाँ, जा रही है पुलिस। तो इसका मतलब सेफ्टी तो है हमारे घर के पास। तो ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ मम्मी ये देखो देखो देखो, स्कूटी पे आया दो लोग, ओ मेरी थार की तरफ इशारा कर रहा है, वो कह रहा है ये ये ये, ये ऐसे कुछ कह रहा है, ओ रोक ली इन्होंने, ओ उतरा पीछे वाला मम्मी देख रही हो भाग के, ओ पत्थर उठा के भागा, पत्थर उठा के भागा आगे की तरफ आया मेरी थार के कोने में घुसा है ताकि कोई देखे, और उसी टाइम कोई स्कूटी वाला गुजरा, स्कूटी वाले ने कुछ नहीं बोला और दोनों कोने की साइड चले गए। कोई रास्ते चलने वाला भी नहीं टोक रहा है ना। हाँ देख रहे हो अभी ये स्विफ्ट भी जा रही है, फ्री कुछ कर रहे हैं मेरी गाड़ी के पीछे इतनी देर से, पता नहीं क्या। ओ गाड़ी हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है गाड़ी, हिली इस टाइम, मतलब इस टाइम इन्होंने कुछ मारा। ओ, ओ, ओ पीछे से एक उस साइड से निकले, एक इस साइड से, अब ये दोनों आगे 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 कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ग्रिल के पास, कुछ कर रहे हैं मम्मी। ओ ग्रिल के पास कुछ करके गया बंदा, क्या कर रहा था ये स्कूटी, मेरे ख्याल से जुपिटर है। भागे भागे वो पीछे, ओ मेरी टियागो में जाके, भाई इतना बुरा हाल है दिल्ली में भाई, इतनी चोरियां हो रही है, मैंने कुछ वीडियो पहले भी दिखाया, कोई टायर चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारी इस रोड से ना किसी की बैटरी निकाल लेते हैं, और लोग ना रोड पे चलते होते हैं फिर भी लोग कुछ नहीं कह रहे, देख रहे हो लाइट चोरी हो रही है फिर भी लोग जा रहे हैं आ रहे जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं, लोगों को लगता है ये कॉमन आदमी से रख के क्या पूछे, या शायद इसकी गाड़ी हो, इस चक्कर में क्या चोरी हो जाती है चलती रोड पे भी। तो अभी क्या है, अभी ये कुछ रख के गया गाइस ग्रिल में, कुछ कर रहा था, कुछ रख के गया है या कुछ तोड़ के गया है क्या है। मम्मी आपने एक चीज नोटिस कर रही हो, जब मैं अगले दिन सुबह उठ के गया हूँ ना तो टेंट मिला है दिन में, है ना, रात तक टेंट भी नहीं लगा था, हम लोग ब्लॉग बना रहे थे ना, हाँ टेंट भी नहीं लगा, अभी टेंट भी नहीं लगा। तो ये सीन है गाइस। तो अभी क्या है, मैं कल वाले, अभी क्या है गाइस, अभी अपन चलते हैं नीचे, और इसने जो कुछ करके गया है ना थार में वो देख के आते क्या करके गया है, वो वाला ना अभी ब्लॉग लंबा हो रहा है, तो वो वाला मैं कल वाले ब्लॉग में डालूंगा पार्ट की, उसमें क्या मिला मेरे को, क्या है, कुछ तो करके गया है बंदे। देखो यहाँ से कुछ दिख रहा है मेरे को, क्या है, क्या हो सकता है, यहाँ से भी दिख रहा है, निकल गया, ओ फट गया, पता नहीं फटाफटा से फट गया यार। ओ किसी ने धमकी भेजी है। तो गाइस ये इस पर्ची में जो लिखा था ना वो देख के मेरा दिमाग हिल गया, और मेरी फैमिली ना पूरी डिप्रेशन में चली गई है, हम सारे कंफ्यूज हैं, मैं और मेरी टीम और मेरे घर वाले, कि हमें आगे व्लॉग्स में ये चीजें डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत इशू है। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज आई नीड योर सपोर्ट गाइस, मेरे को एक बारी कमेंट में बताओ कि अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो इस चीज को मैं खुल के उजागर करूंगा, वरना कुछ लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं और समझ नहीं आ रहा गाइस मैं क्या करूं, मेरे को मतलब बहुत फोर्स करा जा रहा है कि मेरे को चैनल बंद करना चाहिए, पर्चे में जो था ना बहुत डिप्रेसिंग था मेरे लिए। अब मेरे को एक बारी कमेंट करके बताओ कि मेरे को ये चीज डालनी चाहिए ब्लॉग में या नहीं डालनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि मेरे साथ क्या सिचुएशन चल रही है, कल को मुझे कुछ हो जाता तो सबको ये बात पता रहनी चाहिए।